हाँ दोस्तों, मैं अविनाश श्रीवास्तव। आज मैं बात करने वाला हूँ इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध। देखिए, अभी अभी जो लेटेस्ट न्यूज़ आया है वो ये है, कल रात में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का बैठक हुई है कल रात में, जिसकी अध्यक्षता चीन कर रहा था। ठीक है, तो उस बैठक में भारत ने क्या किया है, हम लोगों को भारत सरकार से, प्राइम मिनिस्टर मोदी से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा करेंगे। उन्होंने क्या किया है, इजराइल को समर्थन ना दे करके उन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया है। अब ऐसा क्यों किया है, अब तो खैर वही जाने, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोगों का आज सेंटिमेंट इजराइल के साथ है, ना कि फिलिस्तीन के साथ है। फिलिस्तीन के साथ केवल और केवल मुस्लिमों का सेंटिमेंट खड़ा है, कोई भी हिंदू आज के समय में फिलिस्तीन का समर्थन नहीं करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल का समर्थन करते हैं। लेकिन इसके बियॉन्ड जा करके भारत सरकार ने फिलिस्तीन का समर्थन कर दिया। उन्होंने यूएनएससी में बोला कि इजराइल को फिलिस्तीन पे अटैक रोकना चाहिए, अपने हमले रोकने चाहिए। भाई क्यों रोकने चाहिए, मैं पूछना चाहता हूँ भारत सरकार से, क्यों रोकने चाहिए? फिलिस्तीन जब इजराइल पे 2,000 और 4,000 रॉकेट गिरा रहा है, अगर मान लीजिए इजराइल के पास आयरन डोम सिस्टम नहीं होता तो इजराइल का क्या होता, आज तो इजराइल देश ही ख़त्म हो जाता। इतने रॉकेट उस पर गिरे हैं, इतने बम गिराए गए हैं, उसकी तो हस्ती मिट जाती इजराइल की। इसराइल ने कल सही कहा, अगर आपके देश के ऊपर अगर 4,000 बम गिराए जाए, रॉकेट गिराए जाए, तो आप क्या करिएगा? अपने आत्मरक्षा में आप कुछ कदम तो उठाइएगा ना, कि वो भी नहीं उठाइएगा। खैर, भारत से और कोई उम्मीद भी नहीं थी, ये देश ऐसे ही है, यहाँ पे गद्दारों की टोली भी है, और ये देश केवल शांति का पैगाम ही देता है, और शांति का पैगाम देते देखते एक दिन ये देश खुद टूट के बिखर जाएगा, कट जाएगा, ये बात आप देखिएगा। यही शांति का पैगाम देते देते भारत को इजराइल के साथ तटस्थ रहना चाहिए था, उसके साथ खड़े रहना चाहिए था भारत को इजराइल के साथ। यहाँ के नहीं प्राइम मिनिस्टर ने, नहीं गृह मंत्री ने, नहीं रक्षा मंत्री ने, नहीं विदेश मंत्री ने, नहीं यहाँ के कोई आईएएस अफसर या कोई विदेश मंत्री, कोई भी एक शब्द भी इजराइल के फेवर में नहीं बोला है, उल्टे फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसे करिएगा तो यहाँ के लोग भाई आपसे फिर गुस्सा हो जाएंगे। आपको 303 सीट इसलिए नहीं दिया गया है कि आप जाके फिलिस्तीन का समर्थन कीजिए, आप फिलिस्तीन के पक्ष में बोलिए यूएनएससी में। देखिए अमेरिका को देखिए, फ्रांस को देखिए, ब्राजील को देखिए, यूक्रेन छोटा सा देश, यूक्रेन को देखिए, जर्मनी को देखिए, जापान को देखिए, छोटा सा देश, ये लोग इजराइल के साथ खड़े हैं आज के समय में, तटस्थ हैं उसके उनके पीछे। भारत को देख लीजिए कहाँ है ये। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, ये सरकार जब अपने ही लोगों की जान नहीं बचा पाती है बंगाल में, तो दूसरों की क्या बचाएगी? देखिए, मैं सरकार के खिलाफ नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये सरकार आज के समय में ऐसे ऐसे काम कर रही है, बोलना पड़ेगा। अब जहाँ कोरोना महामारी की बीमारी बात है, तो कोरोना महामारी तो एक वैश्विक बीमारी है, वैश्विक महामारी है, और चीन के द्वारा चलाया गया वो वायु विपन है, वो जैविक हथियार है। लेकिन फिर भी किसी सरकार को कोई समझ नहीं है, भारत में हर दिन 400 से 500 लोग मर रहे हैं ऑफिशियल, अनऑफिशियल लगभग मान के चलिए 2000 से 2500 लोग मर रहे होंगे। अमेरिका में हर दिन 200 से 250 लोग मर रहे हैं ऑफिशियल, अनऑफिशियल चलिएगा तो 700 800 से 1000 आदमी मर रहे हैं, हैं। रशिया में ऑफिशियल 350 लोग मर रहे हैं, अनऑफिशियल कम से कम 1500 लोग मर रहे हैं। भाई इतने
सारे देश में इतने लोग मर रहे हैं, तो आप लोग क्या कर रहे हैं? चीन के खिलाफ कुछ तो प्रस्ताव लाइए, उसको दंड दीजिए। लेकिन आप लोग चाइना के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं, चुप्पी साध के रखे हुए हैं, सारे के सारे देश चुप्पी साध के रखे हुए हैं। और दूसरी बात रही इसराइल की, इसराइल ने भारत की हमेशा मदद की है, अभी भी आप देखिए वो काफ़ी सारे ऑक्सीजन टैंक्स, कार्बोजेनिक टैंक्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, बहुत सारी दवाइयाँ भारत को इसराइल सप्लाई कर रहा है, आज भी, कल तक भी किया है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? वो फिलिस्तीन को आतंकवादी देश, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके आतंकवादियों को सपोर्ट कर रहे हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, जो एक देश पे हर दिन 3000 रॉकेट्स दागता है, उसको आप सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसमें तो आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट है अरब देशों से, आप अरब देशों से बिजनेस नहीं बंद होने देना चाहते हैं। अरे भाई ये जानिए, इजराइल आपका छोटा भाई है, हमेशा आपके साथ खड़ा रहता है, वो आपकी मदद के लिए 1947-1948 में जो इंडिया और पाकिस्तान से जो वॉर हुआ था उसमें इजराइल ने साथ दिया था, 1962 के चाइना वॉर में साथ दिया था, 1971 के इंडिया पाकिस्तान वॉर में साथ दिया था, 1999 के कारगिल वॉर में साथ दिया था, हैं फिर आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक में साथ दिया था, उरी पे जो हमला हुआ था उसमें इंडिया ने जब सर्जिकल स्ट्राइक की उसमें भी साथ दिया था। तो हमेशा आपके साथ अनकंडीशनल इजराइल खड़ा रहता है, लेकिन आप क्या करते हैं? धोखा देते हैं, पीठ में छुरा घोंपते हैं हम लोगों को और सारे राष्ट्रवादियों को। आपसे ये उम्मीद नहीं थी, हम लोगों को लगा कि आप इजराइल का समर्थन करेंगे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। राष्ट्रवादी लोगों का मनोबल टूटते जा रहा है और आपसे भरोसा उठते जा रहा है। थैंक यू वेरी मच।